अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आइए इस वीडियो में आपको जमजम के पानी के बारे में बहुत खास बात बताता हूँ कि शायद आपने इससे पहले कभी सुना भी हो या ना भी सुना हो। अगर आपने पहले से सुन रखा होगा तो बहुत खुशी की बात है, और अगर पहले से ना सुनी होगी तो आपको इस वीडियो में एक नई बात मालूम होगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बहुत सारे पानी को पैदा किया, मिसाल के तौर पे समंदर के पानी को, झील के पानी को, ओले के पानी को, बारिश के पानी को, चश्मे के पानी को पैदा फरमाया है। लेकिन जमजम के पानी को पैदा फरमाकर अपनी कुदरत का एक जबरदस्त इजहार फरमाया है। दिगर पानी की तरह इसमें भी प्यास बुझाने की सलाहियत है, लेकिन जमजम के पानी में एक खास बात यह है कि उसमें भूख मिटाने और बीमारियों में शिफा देने की भी भरपूर सलाहियत मौजूद है। और दिगर पानी तो बहुत जल्द सरकर खराब हो जाता है और नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इस पानी के अंदर एक खूबी और है, ये कभी खराब नहीं होता और न सरता है, ये इन सब चीजों से हमेशा महफूज रहता है। इस पानी में भूख प्यास मिटाने और बीमारियों से शिफा देने की सलाहियत पैदा करना ये अल्लाह ताला के कुदरत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, और जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान न रखते हैं उनकी मिसाल वैसा ही है जैसे भैंस के आगे बिन बजाना हो। जिस तरह भैंस के आगे बिन बजाने से कुछ समझ में नहीं आता उसे, वो बैठ कर अपना पगड़ाती रहती है, इसी तरह इंसान की भी मिसाल वैसा ही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान न रखता हो, वो उसके सामने कितनी भी अच्छी बात बता दी जाए उसे कुछ समझ में नहीं आती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में एक नई बात जरूर मालूम हुई होगी। अगर ये बात आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो के ख्वाहिशमंद हैं कि कम वक्तों में अच्छी अच्छी बात हम तक पहुँचती रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर अच्छे अमल करने वाला बनाए। खुदा हाँ।